हे गाइस, मैं हूँ संदीप और आपका स्वागत है हमारे ही यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोन पे का यूपीआई पासवर्ड भूल गए हैं या फिर कोई उसे देख लिया, उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप यूपीआई पिन को चेंज कर सकते हैं फोन पे की। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इसी तरह के डिजिटल वीडियो अपलोड होता है और आगे भी होता रहेगा। तो और किसी भी बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, तो मैं उस विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। गाइस, मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं और फोन पे का यूपीआई पिन चेंज करने के लिए फोन पे को ओपन करेंगे। तो फोन पे को ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर ऊपर में आप सभी को अपना प्रोफाइल फ़ोटो दिखाई दे रहा है ऊपर में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल फ़ोटो में आ जाइएगा। तो यहाँ पर आपका एटीएम दिखाई दे रहा है, IPOS मेरा ये एटीएम है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन यहाँ पर रिसेट है और चेंज है। आप रिसेट भी यहाँ से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चेंज करके बताऊँगा। तो यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद गाइस, ऊपर में आपको जो यहाँ पर एंटर यूपीआई पिन, यहाँ पर आपको ओल्ड पिन डालना है और नीचे में जो है एंटर यूपीआई पिन, तो यहाँ पर आप न्यू पिन बना के डालना है। तो ऊपर में अपना पहले पिन डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा पिन है 952580, ये मेरा ओल्ड पिन है और यहाँ पर मैं अपना न्यू पिन बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसके बाद यहाँ पर सही पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फिर से न्यू पिन वही देंगे कंफर्म करने के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो गाइस, यहाँ पर सही पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस, ये मेरा पिन चेंज हो गया। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं जो अभी न्यू पिन बनाए वही यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर सही पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस, देखिए मेरा इस तरीके से आप अपना पिन को चेंज कर सकते हैं यूपीआई पिन को। तो गाइस, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।